कुछ दिनों पहले गौहर खान का नाम COVID-19 की गाइडलाइंस को फॉलो ना करने के चलते काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस में बना रहा। अब इस मामले के बाद गौहर खान कैमरे के सामने नजर आई है पहली बार। इस दौरान जब गौहर खान पिक्चर्स क्लिक करवाने लगी तो उन्होंने खुद मीडिया पर्सन्स को सैनिटाइज़र दिया और उनके हाथ सैनिटाइज करवाए। साथ ही उन्होंने कैमरा के सामने पोज करने से पहले पेपराजी को कहा कि वो सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रखें। दरअसल हाल ही में गौहर खान जब अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स उनकी गाड़ी के पास झुंड लगाकर उनकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए पहुंचे। ऐसे में देखा गया कि एक्ट्रेस ने अपनी गाड़ी के हैंडल और सीट को काफ़ी अच्छे से सैनिटाइज किया। इसके बाद उन्होंने फोटोग्राफर्स को भी सैनिटाइज़र दिया और उनसे अपने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए कहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर गौहर खान को सभी को सैनिटाइज़र देते देखा जा सकता है। इस वीडियो में गौहर हल्के येलो कलर के सूट में नज़र आ रही है, वो यहाँ पर काफ़ी प्रिटी लग रही है। वहीं उन्होंने मास्क भी पहन रखा है। आपको बता दें, गौहर खान ने BMC के लगाए हुए सभी इल्ज़ामों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। वहीं इसी के चलते गौहर खान को बैन भी कर दिया गया था काम करने से।